नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत मालती गांव में अखिल भारतीय नौजवान संघ के कार्यकर्ताओं ने आसमान छूती पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया तथा सरकार विरोधी नारे भी जमकर लगाए। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक सभा का आयोजन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला सचिव संजय कुमार ने कहा कि आज जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जंग जीतने में लगा हुआ है, तो वहीं भारत सरकार इस कोरोना की आड़ में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाकर आम लोगों की परेशानी बढ़ाने में लगी हुई है। पेट्रोल की कीमत आज बिहार के दर्जनों जिलों में 100 के पार हो चुकी है, जबकि डीजल भी 100 का आंकड़ा पार करने की स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि आम लोगों को इस आग उगलती महंगाई के प्रकोप से बचाया जा सके। मौके पर संतोष कुमार, विनोद कुमार सिंह, कृष्ण कुमार, चिंटू कुमार, नरेश पासवान, प्रियांशु कुमार, संदीप कुमार, गौतम कुमार सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत समस्तीपुर जिला के अंदर में आज यहां पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अंदर में पूरा देश कोरोना महामारी बीमारी से लड़ रहा है, उसको समाप्त करने के लिए लोग चिंतित है। वहीं भारत की सरकार महंगाई को बढ़ा रही है। महंगाई को बढ़ाते हुए दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है। आज हम ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन समस्तीपुर जिला की ओर से यह मांग करते हैं कि पूरे देश के अंदर में जो पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए।